कृषि चौपाल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको खेती की नई नई और तकनीकी जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीटी कपास में खाद व उर्वरकों के बारे में। अधिक उत्पादन और पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कौन सी खाद कितनी मात्रा में और किस समय डालें, क्योंकि यदि आप सही मात्रा में और सही समय पर खाद व उर्वरक नहीं डालते हैं तो इससे पौधे की बढ़वार के साथ साथ उत्पादन में भी कमी आती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सही मात्रा में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करें। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और आपको खेती की जानकारी से संबंधित सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती है। तो आइए बात करते हैं बीटी कपास में खाद व उर्वरक के बारे में। बीटी कपास की फसल को 330 किलोग्राम यूरिया तथा 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। अब आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन खाद की मात्रा को किस समय व कितना प्रयोग करना है। इसलिए आपको बता दें कि यूरिया की एक तिहाई मात्रा यानी कि 110 किलोग्राम यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा यानी 250 किलोग्राम को बुआई के प्रति हेक्टेयर उड़ कर देवें तथा यूरिया की बची हुई 220 किलोग्राम मात्रा में से 110 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के साथ तथा 110 किलोग्राम यूरिया कपास में कलियां बनते समय प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में देनी चाहिए। इसके अलावा बिट्टी कपास की खड़ी फसल में पुष्पन अवस्था तथा टिंडे बनते समय पोटेशियम नाइट्रेट की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इस प्रकार यदि आप सही मात्रा में व सही समय पर बिट्टी कपास में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो कपास की बढ़वार और पैदावार दोनों बढ़ेगी।